हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नारियल के लड्डू की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये एक इंस्टेंट रेसिपी है। अब आपको नारियल का लड्डू खाने के लिए बाजार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सूखा नारियल ले लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है और ये मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाए फिर इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखना है, हमें लो फ्लेम पे ही इसे भूनना है अच्छे से। बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, हमें इसे तब तक भूनना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस मैंने इसे यहाँ पर ग्रेट नहीं किया है। अच्छे से मिक्स करते रहें। तो ये देखिए, ये हल्का सा कलर चेंज हो गया और अब इसमें डाल देंगे चीनी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें लगातार चलाना है और इसमें जब हल्का सा गीलापन आ जाएगा, जब चीनी अपना लसलसापन छोड़ने लगेगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो ये देखिए, ये हल्का सा गीला हो गया है, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे छोटे गिलास का दूध लिया है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध मिलाना है। इसमें एक साथ दूध को मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हल्का सा अभी ज़्यादा गीला है, इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप ना डालिए। मिल्क पाउडर डालने से इसमें खोया वाला टेस्ट आता है, तो उससे नारियल के लड्डू का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बट अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो इसे ये चिपकेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा हमें मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जो नारियल का लड्डू है उसमें चिपचिपापन आ जाएगा, वो दांत में लगने लगता है। अच्छे से मिक्स करना है हमें, जिससे कि सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे इस तरीके से फैला देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ा था, और इसे जब ये हल्का गर्म रहेगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। एकदम पूरे तरीके से इसे ठंडा नहीं करना है, नहीं तो फिर ये बंधेगा नहीं। और इस तरीके से हमें गोल गोल करके इसे लड्डू का शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने हिसाब के, जिस जो साइज़ आपको पसंद हो उस हिसाब के साइज़ से बनाएं इसे। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। हमें इस तरीके से हाथ पे लेके और इस तरीके से गोल गोल कर देना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे नारियल का लड्डू बना लिया है। और अब मैंने लिया है एक प्लेट में नारियल का बुरादा। इसमें हम नारियल के लड्डू को इस तरीके से नारियल का बुरादा लगा के लपेट देंगे इस तरीके से, और जिसमें एक्स्ट्रा बुरादा लगा उसे इस तरीके से झाड़ देंगे। इसी तरीके से बाकी लड्डू में भी ये बुरादा लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से सारे लड्डू बना लिए हैं। नारियल का लड्डू तैयार है।